HCL हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की तरफ से एक अच्छा न्यूज निकल के आ रहा है। 10th पास एंड ITI पास कैंडिडेट के लिए 195 वैकेंसी फ्रेशर्स कैंडिडेट के लिए निकल के आ रहा है। इसके बारे में मैं डिटेल में जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं, सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो देख सकते हो ACL के तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है 29 जुलाई, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो स्टार्ट होने वाला है 1 अगस्त से। सो यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारा ट्रेड्स में वैकेंसी निकला है। सो बेसिकली देख सकते हो मे जो कि माइंस के अंदर आता है, 3 इयर्स का ट्रेनिंग ड्यूरेशन रहेगा। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 10 सीट है, SC के लिए 3 सीट है, ST के लिए 1 सीट है, OBC के लिए 5 सीट है, EWS के लिए 1 सीट। टोटल जो वैकेंसी है 20 वैकेंसी इस ट्रेड में निकला। इसके बाद देख सकते हो ब्लास्टर जो कि माइंस के अंदर ही आता है, 2 साल का ट्रेनिंग पीरियड रहेगा, 9 अनरिजर्व कैटेगरी में वैकेंसी है, SC में वैकेंसी है, ST में 2 वैकेंसी है, OBC में 5 वैकेंसी है, EWS में 2 वैकेंसी है, एंड टोटल 21 वैकेंसी है। इसके लिए ओनली 10 पास कैंडिडेट एलिजिबल है, इसके लिए कोई भी टेक्निकल क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। तो ये जो फर्स्ट 2 पोस्ट है मेट्स एंड ब्लास्टर, माइंस में जो पोस्ट निकला है इसमें ओनली 10 पास कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते। इसके बाद जो पोस्ट निकला है डीजल मेकन, इसमें देख सकते हो 1 ईयर का ट्रेनिंग ड्यूरेशन रहेगा, एंड अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 4 पोस्ट है, SC के लिए 1 पोस्ट है, OBC के लिए 3 पोस्ट है, EWS के लिए 2 पोस्ट है, एंड टोटल वैकेंसी 10 है। इसके बाद देख सकते हो फीटर में 1 ईयर का ट्रेनिंग ड्यूरेशन रहेगा, 7 अनरिजर्व पोस्ट है, SC के लिए 2 है, ST के लिए 1 है, OBC के लिए 5 है, एंड EWS के लिए 1 है, टोटल 16 पोस्ट है फीटर में। सिमिलरली यहाँ पे टर्नर में 1 ईयर का ट्रेनिंग ड्यूरेशन रहेगा, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 5 पोस्ट है, SC के लिए 3 पोस्ट है, ST के लिए 2 पोस्ट है, OBC के लिए 4 पोस्ट है, EWS के लिए 2 पोस्ट है, टोटल यहाँ पे 16 सीट है। वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक, इसमें 1 ईयर का ट्रेनिंग ड्यूरेशन रहेगा, 6 अनरिजर्व कैटेगरी के लिए सीट है, SC के लिए 3 सीट है, ST के लिए 1 है, OBC के लिए 4 है, EWS के लिए 2 है, एंड टोटल 16 सीट है। इलेक्ट्रिशियन के लिए 1 ईयर का ट्रेनिंग ड्यूरेशन रहेगा, 16 अनरिजर्व सीट है, 5 SC में सीट है, ST में 2 सीट है, OBC में 10 सीट है, EWS में 3 सीट है, तो टोटल 36 वैकेंसी। इसके बाद देख सकते हो ड्राफ्ट्समैन सिविल, इसके लिए देख सकते हो 1 ईयर का ट्रेनिंग पीरियड है, जो सीट है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है, ST के लिए 1 सीट है, OBC के लिए 1 सीट है, टोटल जो सीट है 4 सीट है। ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल, इसमें भी 1 ईयर का ट्रेनिंग ड्यूरेशन रहेगा, इसमें SC के लिए 1 सीट है, OBC के लिए 1 सीट है, EWS के लिए 1 सीट है, टोटल 3 सीट है। इसके बाद देख सकते हो कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, इसमें देख सकते हो 1 ईयर का ट्रेनिंग ड्यूरेशन रहेगा, 6 सीट है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, SC के लिए 2 सीट है, ST के लिए 1 सीट है, OBC के लिए 4 सीट है, उसके बाद EWS के लिए 1 सीट है, एंड टोटल 14 सीट है। सर्वेयर में 1 ईयर का ट्रेनिंग ड्यूरेशन रहेगा, 3 सीट है अनरिजर्व कैटेगरी में, SC में 1 है, ST में 1 है, OBC में 2 सीट है, EWS में 1 सीट है, टोटल 8 सीट है। डीजल मैकेनिक, फीटर, टर्नर, वेल्डर, इलेक्ट्रिशियन, ड्राफ्ट्समैन, ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, सुपरवाइजर, इसके बाद और भी पोस्ट है जैसे कि AC एंड रेफ्रिजरेशन मशीन, मैशन, विडलिंग कंस्ट्रक्शन, इसके बाद कारपेंटर, प्लम्बर, हॉर्टिकल्चर असिस्टेंट, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स, सोलर टेक्नीशियंस, ये सारा पोस्ट के लिए देख सकते हो यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन। सो यहाँ पे 10th पास होना चाहिए, उसके साथ ही साथ रेलिवेंट ट्रेड में ITI पास होना चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो एक तो हो गया ये जो फर्स्ट तो पोस्ट था, इसमें 10th पास होने से ही आप अप्लाई कर सकते हो मेट्स एंड ब्लास्टर में, माइंस का जो निकला है तो इसमें 10th पास होने से ही आप अप्लाई कर सकते हो, कोई भी टेक्निकल क्वालिफिकेशन का जरूरत नहीं है। मगर ये बाकी जो पोस्ट यहाँ पे निकला है, सारा पोस्ट के लिए आपको ITI रेलिवेंट ट्रेड में होना चाहिए। जैसे कि मान लो फीटर में आप अप्लाई कर रहे हो, तो फीटर से आपका
आईटीआई होना चाहिए तभी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। रेलिवेंट ट्रेड में अगर आईटीआई है एंड 10th पास हो तो ये सारा पोस्ट में आप अप्लाई कर सकते। कैंडिडेट प्रोसेसिंग हायर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन सच एज डिप्लोमा और बीई और बीटेक और इक्विवेलेंट शैल नॉट बी कंसिडर। ओके, इसको कंसिडर नहीं किया जाएगा, आईटीआई पास होना ही चाहिए, ठीक है ना। 10th पास के बाद आईटीआई पास आपका होना चाहिए। इसके बाद देख सकते हो एडिशनली कैंडिडेट हैविंग हायर एकेडमिक क्वालिफिकेशन लाइक बीए बीएससी बीकॉम ईटीसी विल नॉट बी गिवन एनी एडिशनल वेटेज। इसके बाद एज लिमिट का अगर बात करूं तो द एज लिमिट ऑफ द कैंडिडेट शुड बी बिटवीन 18 to 25 ईयर्स कट ऑफ डेट। आपका एज जो है 18 से 25 इयर्स के अंदर होना चाहिए। एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलेगा एंड 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलेगा ओबीसी कैंडिडेट के लिए, ठीक है, अपर एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। इसके बाद देख सकते हो पीरियड ऑफ अप्रेंटिस, जैसे कि यहाँ पे पीरियड लिखा हुआ है, ये फर्स्ट जो पोस्ट है इसके लिए 3 इयर्स का, नेक्स्ट जो पोस्ट है इसके लिए 2 ईयर का एंड बाकी सारा पोस्ट में 1 ईयर का ट्रेनिंग ड्यूरेशन रहेगा एंड स्टाइपेंड भी आपको मिलेगा। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। सो यहाँ पे देख सकते हो द कैंडिडेट विल बी सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट बेस्ड ऑन देयर मार्क्स obtained in ITI and 10. A weightage of 30% marks scored in the relevant trade in ITI. यहाँ पे देख सकते हो a weightage of 70% shall be given to marks of 10th post. 30% weightage रहेगा आपका ITI marks का and 70% weightage रहेगा board marks. First दो post जिसमें ITI required नहीं है उसमें देख सकते हो 100% वेटेज विल बी गिवन टू द मार्क्स स्कोर्ड इन 10th। तो थर्ड पोस्ट के लिए 10th बोर्ड में जितना आपका मार्क्स था वही वेटेज रहेगा 100%, तो उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। सो इसके लिए देखो मेडिकल फिटनेस एक सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा तभी आपको सिलेक्ट किया जाएगा। तो बेसिकली सिलेक्शन प्रोसेस में आपको आईटीआई एंड 10th का मार्क्स के बेसिस पे सिलेक्शन होगा जिसमें आईटीआई एंड 10th बोथ रिक्वायर्ड। 30% वेटेज दिया जाएगा आपका आईटीआई का मार्क्स का एंड 70% वेटेज दिया जाएगा आपका 10th का मार्क्स। और फर्स्ट दो पोस्ट जैसे कि मेट्स एंड ब्लास्ट जो कि माइंस में पोस्ट है तो उसमें 100% वेटेज आपका 10th बोर्ड मार्क्स के ऊपर ही दिया जाए एंड उसके बेसिस पे ही आपका सिलेक्शन होगा। अब बात करते हैं कैसे आप अप्लाई करो। तो अप्लाई करने के लिए आपको आर्टिकल पे आ जाना है और इसका एकदम एंडिंग पे आ जाना। तो यहाँ पे देख सकते हो एक तारीख में ये जो लिंक है वो एक्टिव कर दिया जाएगा एंड अगर डिटेल नोटिफिकेशन आप डाउनलोड करना चाहते हो तो पीडीएफ नोटिफिकेशन इस पे क्लिक करके डिटेल नोटिफिकेशन ऐसे आ जाएगा तो डाउनलोड कर लेना, यहाँ से आप अप्लाई भी कर सकते। जैसे कि देख सकते हो स्टेप वन पे अप्रेंटिसशिप रजिस्ट्रेशन ऑन द अप्रेंटिसशिप पोर्टल, पहले आपका apprenticeship.gov.in। सो पहले तो आपको इस पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके बाद देखो यहाँ पे गाइडलाइंस दिया हुआ है, रजिस्ट्रेशन ऑफ द कैंडिडेट प्रोफाइल ऑन अप्रेंटिसशिप पोर्टल विथ रजिस्ट्रेशन नंबर एज लाइक दिस is to be mentioned in the application. Okay, तो apprenticeship portal में आपको पहले register करना होगा तभी आपका जो registration number वो generate हो, ठीक है ना। इसके बाद देखो candidate's profile is to be match with the 10th or ITI marks sheet details. Mismatch of details such as name, father's name, mother's name, date of birth, other details etc may lead to disqualification of candidate. Candidate's profile is to be 100% other verified. जो आप apprenticeship portal में register करेंगे उसमें other verification बहुत ही जरूरी है। इसके बाद देखो the candidate profile copy is to be submitted along with the application form. Candidate profile copy जो application आप submit करोगे दोनों को आपको submit करना है। इसके बाद देखो यहाँ पे important एक point है, bank account and eKYC to be updated in candidate's profile. जो profile create करोगे उस profile में आपका bank account एंड ई के वाई सी अपडेट होना चाहिए। कैंडिडेट एजुकेशन क्वालिफिकेशन इज टू बी प्रॉपरली एंटर्ड इन द प्रोफाइल। द आई टी आई ग्रेड इज टू बी
field as ITI with proper ITI marksheet details, and freshers need to be entered as 10th pass, 10th marksheet details as their higher qualification. No other details are required to be filled. मतलब 10th pass candidate के लिए only 10th का सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट देने से ही चलेगा. हायर क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है तो उसका कोई भी जरूरत नहीं है. द कैंडिडेट ऑलरेडी इन द अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग कॉन्ट्रैक्ट इन एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट एलिजिबल फॉर एक्सेप्टेंस ऑन पोर्टल अनलेस रजिस्ट्रेशन एक्सेप्टेड बाय प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज RDS. ये जो साइड है इस पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है एंड सारा डॉक्यूमेंट्स आपके पास जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है उसको अपलोड कर दे. ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन ऑन HCL. अब देखो HCL का वेबसाइट है, वेबसाइट का जो लिंक है मैं यहाँ पे डाल दूंगा, जो अप्लाई लिंक आएगा वो यहाँ पे मैं डाल दूंगा. यहाँ से आप डायरेक्टली जाके HCL के वेबसाइट में आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना, कोई भी इशू नहीं आएगा. कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपको वेबसाइट में अपलोड करना होगा, तो पासपोर्ट साइज आपका कलर फोटोग्राफ अपलोड करना होगा जो कि लेस देन 50 KB के अंदर होगा. ब्लैक इंक से आपका सिग्नेचर इन इंग्लिश में रहेगा जो कि 50 KB के अंदर JPG फॉर्मेट अपलोड करना हो. अगर आप 2021 से पहले ITI कर चुके हो या 2021 में पास आउट हो तो आपके लिए एक एविडेविट देना होगा. जो एविडेविट होगा वो लेस देन 1 MB के अंदर आपको अपलोड करना होगा. उस एविडेविट में क्या रहेगा, एक मैजिस्ट्रेट या नोटरी पब्लिक से आप करा सकते हो. उसमें लिखा रहेगा कि आप कोई भी पहले अप्रेंटिस ट्रेनी में नहीं किया, कोई भी जॉब आप नहीं किया, तो वो वहां पे मेंशन रहेगा, ठीक है. यही सारा डिटेल्स आपको देना होगा एंड अपलोड करना होगा. इसके बाद बात करते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे. ऑनलाइन एप्लीकेशन ओपन डेट जो है 1 अगस्त 2024, जो कि मैं पहले ही बता चुका. कट ऑफ डेट फॉर एज एंड क्वालिफिकेशन एंड इन ऑल अदर रेस्पेक्ट इज 1 अगस्त 2024. ऑनलाइन एप्लीकेशन क्लोजिंग जो डेट है 20 अगस्त 2020. पब्लिकेशन ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट लिस्ट इज 28 अगस्त 2020.